गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 5, पेज नंबर 49, केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए इसमें हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिस की। रिएक्शन विद एसिड, सबसे पहले आपकी रिएक्शन विद एसिड, जब आपकी बेसिस की किसके साथ रिएक्शन होती है, एसिड्स के साथ। यू हैव ऑलरेडी स्टडी दैट बेसिस न्यूट्रलाइज, जैसे कि इससे पहले भी आपको पता है, पढ़ चुके हैं कि जो आपके बेसिस है वो न्यूट्रलाइज करते हैं किसको, एसिड्स, और आपके बनाते हैं फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो न्यूट्रलाइज में क्या होता है, जब आपके बेस जो है किसे क्या फॉर्म करें, आपके सॉल्ट और वाटर को। सम ऑफ, इसके बाद आपको ये कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें आपका फॉर्मेड हुआ है क्या, सॉल्ट और आपका वाटर। जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जिसका फॉर्मूला होता है NH4OH, इसे HCl आपका क्या हो गया, एसिड, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसने फॉर्मेड कराया आपका अमोनियम क्लोराइड और ये आपका हो गया वाटर। सेकेंड रिएक्शन FeOH3, ये आपका है आयरन हाइड्रोक्साइड, इसके साथ किसके साथ रिएक्ट हुआ आपका, न्यूट्रलाइज नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इसने फॉर्मेट करा आपका आयरन नाइट्रेट और आपका वाटर। तो आयरन नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है आपका ये, और ये HNO3 नाइट्रिक एसिड का, और ये आपका होता है आयरन हाइड्रोक्साइड का। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ किसके साथ रिएक्ट करा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इसने बनाया क्या बेटा, साल्ट प्लस वाटर, एल्यूमिनियम सल्फेट और आपका वाटर। तो आपको ये याद रखना है केमिकल प्रॉपर्टी में कि अगर आपका बेसिस है वो न्यूट्रलाइज करता है एसिड्स टू फॉर्म साल्ट, तो न्यूट्रलाइज किसे करेगा, एसिड, और आपका फॉर्म करेगा साल्ट एंड वाटर। तो न्यूट्रलाइज के अंदर आपको मिलता है साल्ट और वाटर। यूजेस ऑफ बेसिस, देखिए अब इसके बाद आते हैं बेसिस का यूज क्या क्या होता है। बेसिस आर एक्सट्रीमली यूज्ड बाय अस इन आवर डेली लाइफ, दीज आर यूज्ड। देखिए आपके जो बेसिस है वो आपके कम यूज होते हैं हमारे डेली लाइफ में, लेकिन ये आपके ज्यादा यूज होते हैं किसमें, लेबोरेटरी रिएजेंट और आपके इंडस्ट्रीज में। आपके द मोस्ट कॉमन यूज बेसिस आर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला ये CaOH2, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। सबसे पहले हम देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज स्लेक लाइम बोलते हैं। देखिए इसे आपके कॉमनली क्या बोलते हैं, स्लेक लाइम। तो इसे आप अंडरलाइन करेंगे, क्या बोलेंगे, स्लेक लाइम। इसके मेन यूजेस क्या है, ये सब्स्टिट्यूट है आपका सीमेंट का, जो आपके लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, कि जिनका बजट कम होता है, तो ये सब्स्टिट्यूट है आपका किसका, सीमेंट का, क्योंकि सीमेंट आपका बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। वाइट वाशिंग जो होती है बिल्डिंग्स के, उसके लिए यूज होता है। टू मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर, ये आपके ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए इसका यूज होता है। जब मैन्युफैक्चर होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर का, तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी ऑफ सॉइल, सॉइल बिकम एसिडिक बिकॉज ऑफ, देखिए आपने देखा होगा किसान जब फसल बोते हैं तो उसमें आपके यूरिया का, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है। तो लगातार इस्तेमाल करने की वजह से क्या होता है, आपकी जो सॉइल है वो कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। जब सॉइल एसिडिक हो जाती है तो उस पर जो प्लांट होते हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि जो सॉइल का लेवल हो गया वो एसिडिक ज़्यादा हो गया। तो उसमें क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम जो है ऐड कर दिया जाता है सोइल के, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाती है द एसिड प्रेजेंट इन इट, मतलब कि एसिड का असर न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, मतलब कि बिल्कुल उसे मेंटेन कर दिया जाता है। मतलब एसिड अगर ज़्यादा है तो बेस ऐड करने से वो न्यूट्रलाइज होते हैं, मतलब कि उसका जो लेवल है वो एकदम एक्यूरेट आ जाता है, जिससे आपके प्लांट भी ग्रो हो सकते हैं। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, देखिए वेस्ट वाटर होता है फैक्ट्रीज में वर्क होता है, उससे बहुत सारा वेस्ट वाटर रिलीज होता है। तो ये जो वाटर होता है ये कंटेन करता है आपका एसिड। वेस्ट फ्रॉम मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स, इफ सच वाटर इज रिलीज इन टू ए वाटर बॉडी, अगर यही वाटर आपका रिलीज हो जाए वाटर बॉडी, तो वहाँ पर क्या होते हैं, आपकी फिश होती हैं और वाटर एनिमल्स होते हैं, जो एसिड प्रेजेंट होने की वजह से क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर ट्रीट, तो उसे ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो, इसके अंदर जो एसिड परसेंट है इसे क्या कर दिया जाता है, ट्रीटेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसके साथ ट्रीटेड कर दिया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एसिड हाइड्रोक्साइड, टू न्यूट्रलाइज द एसिड बिफोर द वेस्ट वाटर इज डिस्पोज, उसे डिस्पोज करने से पहले आपके किससे ट्रीटेड कर दिया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब कि एसिड का जो असर है वो कम हो जाता है, जिससे आपकी फिश और वाटर एनिमल्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता।
नेक्स्ट है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम बोलते हैं कास्टिक सोडा, कमर्शली फ्रॉम कंसंट्रेटेड ब्राइन साल्ट वाटर। ये आपका ऑप्टेन होता है किससे, साल्ट वाटर से, कंसंट्रेटेड ब्राइन। इट्स मेन यूजेज आर एस फॉलो, इसके जो मेन यूजेज है आपके, ये आपका मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर सेवरल इंडस्ट्रीज केमिकल्स सच एज सोडियम हाइपोक्लोराइड, जो आपके मैन्युफैक्चर होते हैं कुछ इंडस्ट्रीज में केमिकल, जैसे कि आपका एग्जांपल दिया सोडियम हाइपोक्लोराइड, उसमें इस्तेमाल होता है। ये जो साबुन होती है आपने देखा, आप सभी नहाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, साबुन का, तो ये साबुन बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके पेपर, रेयन, टेक्सटाइल और मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये आपके क्या थे, बेसिस थे और उनके यूजेस थे। नेक्स्ट है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट्स मेन यूजेस आर एस फॉलो, इसमें आपका जो मेन यूजेस है ये मैन्युफैक्चर में यूज होता है फर्टिलाइजर सच एज अमोनियम नाइट्रेट, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसके मैन्युफैक्चर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। टू मैन्युफैक्चर आपके जो नाइलोन है, प्लास्टिक्स और डाई है, उसके लिए भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। एज इंक रिमूवर, जैसे कि आपने देखा है इंक रिमूवर होते हैं, तो जो आपका इट इज यूज टू रिमूव इंक स्पॉट्स फ्रॉम क्लॉथ, तो क्लॉथ पे जो आपके धब्बे पड़ जाते हैं, जैसे कि पेन कि इंक होती है तो वो लग जाते हैं, वो दाग बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, स्पॉट रिमूव नहीं हो पाते, तो इसे इंक रिमूवर, जो आपके कपड़ों पर लग जाती है इंक, उसे रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।